नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके नए YouTube चैनल दिपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं कार्यालय सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला नर्मदापुरम के बारे में, जिसमें 15 पोस्ट निकली है। तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सैलरी क्या रहेगी। बाकी सभी जिलों में लगभग 8 से 10 पोस्ट थी, किसी जिले में तो 4 से 5 ही पोस्ट थी। तो आज हम बात करने वाले हैं नर्मदापुरम जिले की, जिसमें आपको लगभग 12 से 15 पोस्ट देखने को मिलेगी। सभी क्वालिफिकेशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो आज हम विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं जिला नर्मदापुरम में निकली भर्ती के बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से ज्वाइन कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला नर्मदापुरम, आवेदन पत्र उपसंचालक सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण नर्मदापुरम जिला पंचायत नवीन भवन के कक्ष क्रमांक 26 में आपको आवेदन पत्र पहुँचाना है 15/9/2023 के पहले पहले। एक बार और एड्रेस नोट कर लीजिए, आवेदन पत्र उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला पंचायत नवीन भवन का कक्ष क्रमांक 26 में दिनांक 15/9/2023 के सायंकाल 5 बजे तक आपको आवेदन प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं पदों की संख्या की, योग्यता की और मानदेय की। तो यहाँ पर सीनियर स्पीच का है पद, जिसमें आपको एक पद देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 20,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। वेकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंस की है, जिसमें आपको व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस डिप्लोमा आपको होना चाहिए, जिसमें आपको 14,500 आपको दिया जाएगा। मोबिलिटी इंस्ट्रक्चर में आपको एक पद देखने को मिलेगा और आपको 14,500 पेमेंट देखने को मिलेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर 1 वर्ष के लिए होगी। 1 वर्ष के पश्चात कार्य के आधार पर आगामी सेवा वृद्धि समिति की अनुशंसा उपरांत ही की जाएगी। नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कार्यालय कलेक्टर जिला नर्मदापुरम का रहेगा। आयु सीमा 1/1/2023 के अनुसार आपकी 18 वर्ष की होनी चाहिए। आपको आवेदन पत्र के साथ में एक जवाबी लिफाफा जिस पर स्वयं का पता लिखा हो, राशि 10 रुपये के डाक टिकट के साथ संलग्न करना आपको अनिवार्य रहेगा। आपको एड्रेस बता दिया और आपको आवेदन पत्र, यहाँ पर आवेदन का प्रारूप है, अच्छे सही तरीके से आवेदन भरकर जो एड्रेस बताया गया उस पर आपको ये भेज देना है। उसके बाद अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा और आपको जो एग्ज़ाम है और जो इंटरव्यू रहेगा उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। तो मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।